नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट के चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। इन्होंने अपने फरवरी महीने के सेल्स के नंबर पब्लिश किए हैं, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं ये स्टॉक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो फ्राइडे का क्लोजिंग है 180.10 का है, लगभग 1.5% अप है। अगर हम इसकी 52 वीक लो की बात करें तो 129 का है, और 52 वीक हाई 376.30 का है। लगभग अभी ये 52 वीक लो पे ही चल रहा है। अगर हम इसका एक साल का चार्ट देखें तो कंटिन्यू डाउनफॉल ही हुआ है। पहला ये एक साल पहले 300 पे चलता था और अब ये 180 के करीब चल रहा है। अगर हम इसका 2 साल और 5 साल के चार्ट देखेंगे तो ये 5 साल के लो पे चल रहा है। तो पिछले 5 साल में इसने इन्वेस्टर्स को कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दिया है इस स्टॉक ने। तो अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें 52,000 करोड़ के करीब है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। इसने डिविडेंड अभी तक दिया नहीं है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की 42.14% की होल्डिंग है और बाकी FII प्लस DII की 57.86% की होल्डिंग है, जो कि ठीक है। और हम अभी देखते हैं इसके रिजल्ट्स। तो दिसंबर महीने में थोड़ा कम हुआ है सेल का टर्नओवर, कंपेयर करेंगे सितंबर महीने के। तो सितंबर महीने का जो सेल का टर्नओवर था 70,758.69 करोड़ का, और दिसंबर 2018 की बात करें तो 16,207.67 करोड़ का इनका सेल का टर्नओवर था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट थोड़ा बड़ा है। नेट प्रॉफिट और सितंबर क्वार्टर में 109.14 करोड़ का था और दिसंबर क्वार्टर में 617.62 करोड़ का था, जो कि काफ़ी बड़ा है। अगर हम दिसंबर 2017 की बात करें तो सेल का टर्नओवर लगभग सेम ही है। दिसंबर 2017 में इनका 16,101.60 करोड़ का था। और सेल नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 183.65 करोड़ का था, जो कि इस टाइम काफ़ी बड़ा है। तो आइए अभी मैं इनका लेटर निकालता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इनका लेटर निकाला है। इन्होंने प्रेस रिलीज किया था, तो आइए हम जानते हैं इनका सेल कैसा हुआ है। तो हम पहले इनका डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं। इसमें लिखा है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल दैट इज़ CV डोमेस्टिक सेल डिक्लाइंड बाय 5% इन फेब्रुअरी 2019 एट 39,111 यूनिट कंपेयर टू 41.222 यूनिट सोल्ड लास्ट ईयर। मींस लास्ट ईयर से 5% गिर गया है कमर्शियल व्हीकल्स। और अगर हम इनका टोटल की बात करें अप्रैल टू फरवरी 2019 की, यहाँ पे दिया है 417,775 यूनिट हैज़ ग्रोन बाय 19% कंपेयरिंग टू 350,143 यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। मींस अगर हम अप्रैल टू फरवरी की बात करें तो 19% से ग्रोथ हुआ है। और अब हम जानेंगे HCV ट्रक के बारे में। तो इनका जो HCV ट्रक है वो डिक्लाइन बाय 18% एट 12,437 यूनिट कंपेयरिंग टू 15,241 यूनिट सोल्ड इन फरवरी 2018। मीन्स फरवरी 2018 में इन्होंने 15,241 यूनिट सोल्ड किए थे, और अब इन्होंने लास्ट मंथ फरवरी में
12,437 यूनिट सोल्ड किए, यानी कि 18% से गिरा है। और अगर हम LCV दैट इज लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करें ट्रक्स की, तो इनका जो ग्रोथ है 4% से बढ़ा है। इन्होंने लास्ट मंथ 5,017 यूनिट सेल किए हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर में इन्होंने 4,810 यूनिट सोल्ड किए हैं, तो इसका मतलब 4% से इनका अप हुआ है। अगर हम SUV की बात करें तो SUV का इनका जो ग्रोथ है वो 9% से बढ़ा है। तो इन्होंने जो लास्ट मंथ सोल्ड किया था 17,417 यूनिट सोल्ड हुए हैं। और अगर हम कमर्शियल पैसेंजर कैरियर की बात करें तो इधर इसमें लिखा है सेगमेंट रिकॉर्डेड सेल ऑफ 4,240 यूनिट्स लोअर बाय 18% एज़ कंपेयरिंग टू 15,157 यूनिट सोल्ड इन फेबररी 2018। मीन्स 18% से गिरा है कमर्शियल पैसेंजर का सेल, दैट इज़ PC। और हम बात करेंगे अब डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल के, तो इनका जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स का जो ग्रोथ है वो 2% से बढ़ा है। इन्होंने जो इस साल फरवरी महीने में 18,110 यूनिट सेल किया है, अगर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का सेल है 17,771 यूनिट, जो कि 2% से बढ़ा है। अगर हम इनका अप्रैल टू फरवरी की बात करें तो इन्होंने 1,92,332 यूनिट सेल किए हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में इन्होंने 1,67,055 यूनिट सेल किया है, लगभग 15% से ये बढ़ा है। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें लिखा है द कंपनी सेल फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम CV एंड PV इन फेबररी 2019 वॉज एट 2,930 यूनिट लोअर बाय 39% ओवर लास्ट ईयर। तो मीन्स इन्होंने CV एंड PV का जो सेल है एक्सपोर्ट वो 39% से गिरा है। तो यही एक न्यूज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी। अगर हम स्टॉक के बात करें तो ये 52 वीक जो कि रिसेंटली है 129, इससे अभी कंटिन्यूसली अपसाइड ही गया है ये स्टॉक। आप चार्ट में भी देख सकते हैं, मैंने एक महीने का ही चार्ट निकाला है 150-120 में, 120 से ये सीधा अभी 180 की तरफ गया है, जो कि सीधा अपर सर्किट में ही जा रहा है। एक्सपर्ट लोग मान रहे हैं कि ये स्टॉक 200 भी पार कर लेगा। तो मेरे हिसाब से जिसके पास ये स्टॉक है वो होल्ड कीजिए। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। तो इनका जो सेल का फिगर है वो भी कुछ अच्छा आया नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो फ्रेश एंट्री अभी मत लीजिए। जिसके पास स्टॉक है वो होल्ड कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।